टूट गए हो, ऐसा लग रहा है कि चल नहीं पाओगे। ऐसा भी होगा कि तुम्हारा सब पट रहा होगा सोच सोच के। ऐसा भी वक्त आएगा कि अब कुछ नहीं रह गया इस ज़िंदगी में। जानते हो तुम ऐसा महसूस क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है अभी तुम जिस भी आजमाइश में हो या तकलीफ़ में हो या फिर दिल में जो भी बेचैनी है, ये हमेशा रहेगी। हाँ ठीक है, ये वक्त आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस बेचैनी से तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। तुम अपनी महदूद सोच में रहकर सोचते हो और अपनी कहानी का इख्तिताम खुद ही कर लेते हो कि अब सब कुछ नामुमकिन है या अब कभी इस दुख से निकल ही नहीं पाओगे, और ये सोच सोच के तुम्हारा सर दर्द से फटने लगता है। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि रब का जवाब तो अभी तक आया ही नहीं है। वो तो वहाँ से वसीले बनाता है जहाँ तुम अपनी तरफ से कहानी का इख्तिताम कर चुके होते हो। मत भूलो कि वो रब अपने बंदों को कभी भी तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। रब फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे बेजार हो गया। कभी कभार ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, जैसे हमारी दुआएं उस तक पहुँच ही नहीं पा रही, बस खला में कहीं गुम हो गई है। लेकिन ये सच नहीं है, दुआएं कभी भी गुमती नहीं है और ना ही दुआएं अनसुनी की जाती हैं। तुम्हारी इस कैफियत का जवाब तो अल्लाह ने सूरह अनकाबूत में दिया हुआ है। डरो नहीं और ना गम करो, यकीनन हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। ये आवाज़ तला है तो क्या हुआ, इसका अंजाम पर सुकून होगा। क्यों भूल जाते हो कि जिस रब ने अभी तक तुम्हें संभाला हुआ है, तुम्हारा ये जानना कभी ज़रूरी नहीं है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है उसमें गलती कभी हो ही नहीं सकती। तुम गलती कर सकते हो लेकिन वो ज़ात सब गलतियों से पाक है। यकीन रखो, वो रब तुम्हारे लिए कभी भी गलत फ़ैसले नहीं करता। अगर अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दुआएं रद्द हो गई है या फिर कबूल नहीं हो रही, तो बस इतना याद रखना कि ये आजमाइश का वक्त है। तुम्हारा अल्लाह सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन अभी जिस भी वक्त से गुज़र रहे हो, तुम्हारा गुज़रना बहुत ज़रूरी है। तभी वो रब खामोश है ताकि देख सके तुम उस चीज़ के लिए सब्र की किस हद तक जाते हो। बस फिर वो थाम लेता है और कुन फरमा देता है। जानते हो ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब तुम खुद से ही ज़िद लगा बैठते हो और नसीब से लड़ने लग जाते हो और खुद से सवाल पूछने लग जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये ज़िद तकलीफ़ बन जाती है जबकि पता है आखिरी में आना उस ज़ात के पास ही है। उस रब की रज़ा में ही राज़ी होकर सुकून मिलेगा, उस ज़ात के कुन पे यकीन रख के ही मिलेगा सब कुछ। जब तुम्हारे गम तुम्हें गफलत में डालने के बजाय तुम्हें बेदार कर दे, क्योंकि तुम्हें बेदार करने वाले गम तुम्हें गफली कर देने वाली खुशी से ज़्यादा बेहतर है। और जब ऐसा हो तो समझ जाना तुम्हारी आजमाइश का वक्त ख़त्म होने वाला है और अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को बेतहाशा रंगों से भर देगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।